इन दी अर्बन सोसाइटी मोस्ट ऑफ द पापुलेशन बिलोंग्स टू द एजुकेशन जिनका जो लेवल है वो हाई होता है एंड uh, uh, जो उसकी जो बड़ी वजह ये है कि लोग जो है नेबरिंग एरिया से आते हैं फॉर दर्पज़ ऑफ द एजुकेशन और सेकेंडली uh, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोमिनेंट एरिया है दैट इज़ दी एम्प्लॉयमेंट सो बोथ एरियाज में हम देखते हैं कि जो यंग पापुलेशन है वो उस अर्बन प्लेस में हमें ज़्यादा नंबर्स uh, में मिलती है और दैट्स वायर द मोस्ट ऑफ द अर्बन प्लेस ऑफ द वर्ल्ड हैज़ मोर दैन फोर परसेंट ऑफ द टोटल जो राइज है ग्रोथ है जो पॉपुलेशन में दैट इज मोर दैन द कंट्रीज़ ग्रोथ रेट सो कंट्री का जो ग्रोथ रेट है जैसे पाकिस्तान है उसका जो ग्रोथ रेट वन पॉइंट एट रिस है तो लेकिन लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों का जो ग्रोथ रेट है दैट इज अराउंड अबाउट फोर परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जिसकी जो हमें बड़ी वजह यह नज़र आती है कि एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सो बोथ एरियाज आर वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द सोसाइटी ऑफ द अर्बन प्लेस नो ट्रैफिक फ्लो में जो राइज है दैट इज ड्यू टू द पॉपुलेशन विच इज़ मूविंग फ्राम द नेबरिंग एरिया टू द सिटी सेंटर इसमें द एजुकेशन द एम्प्लॉयमेंट एंड द एरियाज विच बिलोंग टू द मार्किट प्लेस जिसमें कमर्शल एक्टिविटीज हैं सो दैट्स वी हैव राइज ऑफ़ द अर्बन फ्लो अर्बन फ्लो इन फॉर्म ऑफ ट्रैफिक सो ट्रैफिक फ्लो में जो राइज आई है उसमें बड़ी वजह जो है ये कमर्शियल एक्टिविटीज हैं एंड दर्विसेज एरिया सो सिटी का जो सर्विस एरिया है वो इन्हांस हो रहा है पैसेज ऑफ टाइम सो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज ऑफ द अर्बनाइज वर्ड इशू एंड प्रॉब्लम में हमें यह सबसे बड़ा यह नज़र आता है बिकॉज जब हम देखते हैं कि स्मॉल है सच एस ट्रैफिक एक्सीडेंट हैं विच किल 1.2 मिलियन पॉपुलेशन पर यीयर एंड एंडल मूवमेंट नेटवर्क्स इन सिटीज आर अंट्रल कं दर्बन एरिया इशू वेयर वी कैन पुट मैनी एरियाज रिगार्डिंग द प्लानिंग ऑफ द ट्रैफिक फ्लो हम देखते हैं कि रोड्स को ब्रॉडन किया जाता है बॉटर नेक्स को जो है वो इसलिए ख़त्म किया जाता है अंडर पासिस हैं या फ्लाई ओवर हैं उसकी सूरत में बिकॉज ऑफ द नो uh, सिग्नल no जब ट्रैफिक होगी तो उससे एक्सीडेंट कम होंगे सो so, इसमें जो है मिशन भी कम होगा सो दैट इज वन ऑफ द एरिया वेयर गवर्नमेंट इज पुटिंग हिज बेस्ट एफर्ट्स जिसमें बड़े बिग सिटी के जो प्रॉब्लम है उसमें ये बॉटन एक्स को कम करना है सो so, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक लीजिंग की वजह से टू से ऑनवर्ड लाहौर में जो ट्रैफिक है वो अगर पहले एक लाख थी तो अब जो है वो फाइव लाख के करीब इसका ट्रैफिक फ्लो है सो इट नीड्स फाइव टाइम मोर जो प्लानिंग है इन द एरियाज ऑफ नेटवर्क सो दैट्स गवर्नमेंट इज पुटिंग बेस्ट एफर्ट इन द ब्रॉडनिंग ऑफ द रोड्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ द अंडर पासिस और फ्लाई ओवर सो इसमें जो है रोड एक्सीडेंट भी कम हो सकते हैं नो वेन वी आर डीलिंग विद्रैफिक फ्लो एंड इंडस्ट्रियलब्लिशमेंट इन द अर्बन प्लेस तो उन दोनों सोर्सेज से हमें प्लूटेंट्स मिलते हैं प्लूटेंट्स जो हैं वो नॉक्स की सूरत में हैं कॉक्स की सूरत में है एंड सॉक्स की सूरत में है यानी सल्फर डाइऑक्साइड एस टू कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एन टू सो इसमें हमें जो है प्लूटेंड जो हैं अर्बन एयर में मिलते हैं सो दोज़ आर एक्चुअली द ग्रीन हाउस गैसेज वो जब सन से इंसोलेशन शॉर्ट वेव रेडिएशन आती हैं तो सर्फिस से रिफ्लेक्ट जब होती हैं तो सर्फिस उसे लॉन्ग वेव रेडिएशन की सूरत में रिफ्लेक्ट करता है जब वो रिफ्लेक्शन होती है तो जो प्लूटेंट्स मौजूद हैं वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं और इस तरह से री रेडिएट करते हैं या उससे काउंटर रेडिएशन स्टार्ट हो जाती है सो काउंटर रेडिएशन जो है एयर के टेम्परेचर को बढ़ा देती है यानी एयर का जो टेम्परेचर है वो काउंटर रेडिएशन की वजह से है और ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं ज्यादा होने की वजह से अर्बन प्लेस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है सो दिस इज कॉल्ड द अर्बन हैजर्ड यानी एयर पोलूटेंट जो है इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ द हाई टेम्परेचर ऑफ द अर्बन प्लेस So this is one of the area where we have issue and problem of the urban places.